संगत जी आइए, सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं तनुज कपूर आंटी को। आंटी आप प्लीज आए और गुरुजी का सत्संग शेयर करें। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना आज की ये सत्संग शेयरिंग की सेवा बख्शने के लिए। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हैं आपकी और मैं बहुत फॉर्चुनेट समझ रही हूँ आप अपने आप को कि आप आज आपने ये सेवा दी। मेरे सामने जो स्क्रीन पे बड़े मंदिर का नज़ारा है, दैट इज एब्सोल्युटली ब्लिसफुल एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि मुझे बड़े मंदिर के भी दर्शन हो रहे हैं। महाराज बैठे हैं और महाराज आपकी आज्ञा से ये सेवा मैं आज आपके संगत, सभी सुनने वाली संगत के साथ, गुरु महाराज की जो जर्नी हमारे साथ रही है और मुझ पे और मेरे परिवार पे जो महाराज की ब्लेसिंग्स रही हैं, अपार ब्लेसिंग्स रही हैं महाराज की, और बहुत बहुत प्यार दिया है गुरु जी महाराज ने, वो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले मेरे प्यारे गुरु जी को नमस्ते और गुरु जी आपके चरणों में सादर प्रणाम। सुनने वाली सभी संगत को भी प्यार भरी नमस्ते। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की भी पुण्यतिथि है, तो बापू जी को भी नमन और बहुत शुक्राना ये पुण्य और स्वतंत्र भारत हमें दिया है, तो महात्मा गांधी जी का भी बहुत शुक्राना। संगत जी, हमारी जर्नी गुरुजी के साथ गुरु रूप में 1989 में शुरू हुई थी गुरदासपुर में, और बहुत ही क्लियरली गुरु महाराज का बुलावा था। मेरे हस्बैंड आर्मी से रिटायर हैं, तो 1989 में गुरदासपुर में महाराज की कृपा से उनकी पोस्टिंग थी और हमें गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था। एक दिन मेरे हस्बैंड को ऑफिस में कहा गया कि जो उनके बॉस थे, कमांडर थे ब्रिगेडियर कटोच, वो गुरुजी के भक्त थे और गुरुजी उनके घर अगले दिन आ रहे थे। दैट वाज संडे को गुरु महाराज उनके घर आ रहे थे, और सैटरडे को मेरे हस्बैंड को ऑफिस में कहा गया, कमांडर के डेप्टी ने कहा कि माय हस्बैंड वाज अ मेजर देन, मेजर कपूर, कल कमांडर के गुरुजी आ रहे हैं उनके घर, तो आप और आपकी वाइफ भी जरूर आइए। नाउ संगत जी, वी वर नॉट फ्रॉम फैमिलीज जहां पे गुरुओं के यहाँ जाया जाता है या गुरुओं पर कोई विश्वास था। सच माने तो प्रभु की इतनी कृपा रही थी, जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, कभी जरूरत नहीं पड़ी किसी गुरु के पास जाने के लिए या किसी और न्यूमरोलॉजिस्ट या ज्योतिषी या किसी बाबा के पास जाने के लिए। बहुत मेहर थी, कब से महाराज जैसे कहते हैं कि मैं तो जन्मा से आपके साथ हूँ, जन्मों से मैं आपके साथ हूँ, बट उनकी कृपा जो महाराज को मिलने के बाद बहुत सालों बाद भी ऐसा एहसास होता है कि कितने इसी जन्म में 1989 से पहले भी बहुत बहुत मेहर की है महाराज ने हम पर। सबसे पहली और बड़ी मेहर महाराज ने जो मुझ पर की, दैट आई वॉज बॉर्न इन अ फैमिली जहां शिवजी की बहुत भक्ति होती थी, बड़े प्यार से भक्ति होती थी, रिचुअल्स नहीं होते थे। आई हैड नेवर फास्टेड ऑन एनी मंडे, नाइदर वॉज आई इन टू एनी काइंड ऑफ रिचुअल्स। मेरी मदर हर मंडे फास्ट रखती थी और हर सुबह हमारे घर में छोटा शिवलिंग था और शिवलिंग पर जल चढ़ाते थे मेरी मदर और शिव चालीसा पढ़ते थे, एंड एवरी मंडे शी वुड फास्ट, बट द होल हाउस, हमारी आस्था शिवजी में थी, बहुत प्यार था शिवजी महाराज से। सो सबसे बड़ी ब्लेसिंग आई थिंक इज दैट आई वॉज बॉर्न इन अ फैमिली जहां हमेशा हम शिवजी की के जो है मंत्र बोलते थे, सारा दिन ओम नमः शिवाय दिल में चलता था, एंड लाइक आई सेड लॉट ऑफ लव फॉर शिवजी। सो दैट इज वन ऑफ द बेनिफिट्स आई थिंक एक प्रसाद के रूप में मुझे फिर महाराज मिले। सो आई एम कमिंग बैक, क्योंकि गुरुजी कहते थे शुरू से अपनी जर्नी सुनाया करो। सो 1989 में गुरदासपुर में जब मेरे हस्बैंड ने उनसे कहा कि सर
शायद हम नहीं आएंगे बिकॉज हम गुरुओं में विश्वास नहीं रखते और ना ही हम किसी गुरु ग्रुप को फॉलो करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा, नहीं, आप घर जाइए, अपनी वाइफ से सलाह कीजिए, शायद वो आना चाहें। तो यू नो, इन द आर्मी यू ओनली से यस सर। सो उन्होंने घर आके मुझसे बात की और हम दोनों का यही विचार था कि इट्स नॉट अ गुड आइडिया दैट वी गो। बट अगले दिन सुबह, विच वॉज संडे, मेरे हस्बैंड को सुबह फोन आया कि समडे मिड मॉर्निंग कि आप आए नहीं। सो माय हस्बैंड जस्ट सेड, सर वी आर जस्ट कमिंग। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमें जाना चाहिए, दे आर एक्सपेक्टिंग अस। तो बस हम दोनों तैयार हो गए और वहां गए, बड़े अच्छे भाव से गए थे। कभी भी ऐसा मतलब ये फीलिंग आई नहीं कि क्यों हमें जबरदस्ती जाना पड़ रहा है। आई थिंक जब गुरुजी चाहते हैं कि आप आए, तो उनका बुलावा दूसरी बार उस सुबह भी आ गया और हम खुशी खुशी चले गए। संगत जी, जब हम गए तो कमांडर का ड्राइंग रूम था, सिर्फ 13-14 लोग वहां बैठे थे नीचे कारपेट पे, और एक यंग मैन एक सिंगल सोफा पे बैठे थे। He was looking very smart, wearing cream safari suit, and I still remember shining cream shoes. तो हमने सोचा वही गुरुजी होंगे। अब हमें वहां का कुछ प्रोटोकॉल नहीं पता था कि सबसे पहले जाके मत्था टेकते हैं, वी डिडंट नो। और जब हम पहुंचे तो लोग पहले ही कारपेट पे बैठे थे, और संगत जी, इफ आई रिमेम्बर, कोई शब्द नहीं चल रहे थे। तो मैं भी पीछे, बिकॉज हम देर से पहुंचे थे, तो मैं पीछे, हमने कहा वहीं बैठ जाते हैं। सो मैं बैठने लगी और उसी वक्त महाराज के साथ मेरा आई कांटेक्ट हुआ और गुरुजी ने अपने हाथ के इशारे से मुझे अपनी तरफ बुलाया। तो संगत जी, मैं उस दिन बैठ भी नहीं पाई थी, मैं सीधा गई आगे, मैंने गुरुजी को नमस्ते किया, मैंने मत्था नहीं टेका बिकॉज आई डिड नॉट नो, नॉट आउट ऑफ एनीथिंग, जस्ट आउट ऑफ रिस्पेक्ट आई डिड नमस्ते टू हिम। और गुरुजी ने उसी वक्त नमस्ते की मुझे, और जो साथ में लेडी बैठी थी उनको कहा, आंटी इनु अंदर ले चल। तो मैं समझती हूँ पंजाबी एंड आई नो वट इट मेंट। तो वो आंटी खड़े हो गए और मुझे इशारा किया, मैं उनके साथ उनके पीछे गई, साइड में एक कमरा था, द वन ऑफ द बेडरूम्स, और गुरुजी भी खड़े हो गए और हमारे साथ अंदर आ गए कमरे में। जैसे ही कमरे में हम गए, गुरुजी मेरी तरफ देखते हैं और मुझे कहते हैं, चल हुन तू पुट्ठी लेट जा। संगत जी, आई जस्ट फॉलोड एवरीथिंग ही सेड। आई थिंक आई विल ऑल्सो थैंक माई पेरेंट्स हियर फॉर आई थिंक द गुड वैल्यूज दैट दे हैव गिवन अस। मैंने मतलब आई डिड नॉट थिंक ऑफ कॉन्ट्रडिक्टिंग एनीथिंग, और मतलब महाराज की भी कृपा थी। सो आई जस्ट डिड वॉट ही सेड। ही सेड तू पुट्ठी लेट जा, और मैं वहीं नीचे लेट गई अपने पेट के बल, और गुरुजी महाराज मेरे साइड में आके बैठ गए, अपने घुटनों के बल गुरुजी बैठ गए, एंड दैट आंटी जो थे वो भी साइड में खड़े थे। तो गुरुजी ने मेरी बैक की तरफ देखा और कहते हैं, मेरा तो मुंह नीचे था बट आई नो न्यू वॉट ही वॉज डूइंग। तो गुरुजी ने मेरी बैक की तरफ देखा नीचे और कहते हैं, ले ऐते पूरी हिली पई है। इफ आई हैव टू जस्ट ट्रांसलेट इन इंग्लिश, इट मीन दैट द स्पाइन इज आउट ऑफ अलाइनमेंट, इट्स नॉट द वे इट शुड बी। संगत जी, बिफोर आई गो फर्दर, आपको बताना चाहूंगी कि उन दिनों मुझे लो बैक की बहुत ज्यादा तकलीफ थी, किसी को नहीं पता था एक्सेप्ट द फैमिली, मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ थी। सम डेज आई वॉज ऑल राइट, पर किसी किसी दिन इतनी तकलीफ होती थी दैट आई कुड नॉट स्टैंड स्ट्रेट। बट ऑल्सो आई विल से, महाराज की ब्लेसिंग्स क्या पता कब से थी। डिस्पाइट ऑल दिस आई वॉज एबल टू डू ऑल माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड आई यूज टू ऑल्सो गो फॉर अ वॉक एवरी डे। और किसी को नहीं पता था, देखिए महाराज ने बुलाया था ब्लेसिंग्स के लिए। तो कहते इतने पूरी हिली पई है। फिर महाराज के हाथ में एक स्पून था, आप सबने उसका जिक्र सुना है, लंबा सा स्पून, जस्ट द हैंडल बहुत लंबा उस स्पून का था। तो महाराज ने वो स्पून मेरी बैग नीचे से लेकर ऊपर तक उस स्पून को पहले उससे देखा,
फिर उस स्पून को नीचे रखा और महाराज ने अपना हाथ रखा मेरी बैग पे, दबाव डाला मेरी बैग पे, नीचे से लेकर ऊपर तक ले गए अपना हाथ और फिर मुझे कहते हैं, चल हुन तू खड़ी हो जा। संगत जी, गुरु जी खड़े हो गए और मैं भी खड़ी हो गई। जब मैं खड़ी हुई, मैंने अपने पाओं पे दबाव डाला, देर वॉज नो पेन। अदरवाइज नॉर्मली बहुत एक्यूट पेन होती थी। इनफैक्ट नीचे ऐसे बैठने के बाद इट वॉज नॉट ईजी फॉर मी टू स्टैंड अप, बट मैं खड़ी हो गई एंड दैट पेन हैड जस्ट वैनिश्ड। आप समझ सकते हैं कि मैं कितनी खुश थी उस वक्त, बिकॉज दिस कैन बी वेरी डिबिलिटेटिंग। जो लो बैक पेन होती है, आपको बिल्कुल इट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम डूइंग बींग हैप्पी, आई वुड से इट्स वेरी एक्यूट। तो मैं इतनी खुश थी एंड आई जस्ट स्माइल्ड एट गुरु महाराज एंड आई सेड थैंक यू। गुरु जी स्माइल्ड एंड ही से चल हुन तू बाहर आ जा। तो गुरु जी चले गए बाहर वापस उस ड्राइंग रूम में, मैं भी चली गई एंड आंटी भी हमारे साथ आ गए। संगत जी, देयर वाज अ काइंड ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन विद इन मी। मैं नहीं कहूंगी कि मैं बिल्कुल गुरु महाराज की भक्त हो गई या यू नो आई जस्ट सरेंडर्ड टू हिम, ऐसा कुछ नहीं, बट मेरे अंदर बहुत अच्छी फीलिंग थी। और गुरुजी फिर से जाके उस सोफे पे बैठ गए और फिर मैं भी नीचे बैठ गई जैसे सब बैठे थे, और देर वॉज अ स्माइल ऑन माई फेस। तो थोड़ी देर के बाद द होस्टेस कमांडर्स वाइफ शी केम और उन्होंने गुरुजी को कहा, गुरुजी आइए, लंच इज सर्व्ड। संगत जी बिल्कुल ऐसे ही कहा था, तब लंगर नहीं कहते थे, लंगर दरबार में होता था गुरुजी के मंदिर में जब जलंधर, बट इन हर हाउस व्हाट शी सेड टू गुरुजी वाज, गुरुजी कम लंच इज सर्व्ड। तो गुरुजी उठे और सब हम जितने वी वर लिटिल ओवर अ डजन पीपल, हम चले गए डाइनिंग रूम में। वहां दो डाइनिंग टेबल्स थी संगत जी, और हम सब उन चेयर्स पे बैठे, हमने टेबल पे बैठ के लंच किया सबने, जैसे किसी रिश्तेदार या मित्र के घर जाते हैं वैसे ही था। सब लंच कर रहे थे और आपस में बहुत लाइट हार्टेड कॉन्वर्सेशन हो रही थी। संगत जी, मेरा सौभाग्य, जहां गुरु जी बैठे थे बिल्कुल उसी टेबल पे गुरु जी के बिल्कुल सामने मैं बैठी थी, बट आई डिड नॉट मेक मच कॉन्वर्सेशन, बिकॉज फर्स्टली आई डिड नो दिस वॉज न्यू टू मी। तो बातचीत करते हुए गुरुजी मेरी तरफ देखने लगे और गुरुजी का मुंह लाल हो गया। मैं थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हुई, वाई इज गुरुजी स्टेयरिंग एट मी, एंड देन ऑल्सो गुरुजी चुप हो गए, उनका मुंह लाल हो गया एंड सभी संगत भी चुप हो गई। थोड़ी देर में, विद इन सेकेंड्स आई थिंक, महाराज ने अपना हाथ ऊपर किया हवा में और कुछ मतलब एकदम मुट्ठी बंद करके हाथ खींच के नीचे ले आए। मेरे सामने महाराज ने हाथ फैलाया, मुट्ठी खोली और मैनू कहंदे, ए तू खा ले। संग जी, आई वॉज सरप्राइज कि वॉट हैपन्ड। मुझे कुछ नहीं पता था, वो तो अब कितने सालों बाद आई नो कि महाराज डिवाइन प्रसाद महाराज ने प्रोड्यूस किया और मुझे दिया और कहा ए तू खा ले। आई कैन जस्ट से महाराज को शुक्राना, अनंतम शुक्राना दैट ही ब्लेस्ड मी। ऑफकोर्स आई वुड हैव नीडेड इट, महाराज को पता होगा कि मुझे उन ब्लेसिंग्स की जरूरत थी, बट महाराज ने कृपा की एंड देन ही सेज ए तू खा ले। संगत जी, वो थोड़ा सा एक मेरे मन में थॉट ये भी आया जब महाराज ने हाथ नीचे किया और मेरे सामने किया, कि हमने सुना था दैट सम गुरुज दे वुड प्रोड्यूस समथिंग लाइक दिस, अपना हाथ पीछे करके गर्दन के पीछे या बैक के पीछे दे वुड ब्रिंग इट फॉरवर्ड, एंड इस बात की ऐसे चर्चा होती थी कि मे बी इट इज फेक। तो दो थॉट्स वर देयर इन माई माइंड एंड फॉर अ फ्लिकर ऑफ अ मे बी अ सेकेंड इट केम टू माई माइंड कि व्हाई इज ही डूइंग ऑल दीज मैजिक ट्रिक्स। उस बात के लिए महाराज मैं क्षमा मांगती हूँ आपसे, बट हम नादान थे तब, वी वर ह्यूमन एंड वी वर लिविंग इन अ सोसाइटी वेयर देर वर ऑल काइंड्स ऑफ फेक थिंग्स एंड पीपल ट्राइंग टू ट्रिक यू।
सो महाराज ने कहा ए तू खा ले। वो संगत जी पंजीरी थी, गीली थी, और आप सबने सुना होगा डिवाइन प्रसाद इज लाइक यू कांट डिस्क्राइब इट, इट इज हेवनली। तो मैंने वो खा लिया, बहुत ज्यादा नहीं था, मैंने वो खा लिया। फिर उसके बाद धीरे धीरे महाराज का मुंह नॉर्मल हो गया, लाली चली गई, बट देयर वाज साइलेंस ऑल अराउंड। फिर महाराज एकदम खड़े हो गए उसके बाद, एंड ही स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द लिविंग रूम। तो सभी संगत भी उठ के खड़ी हो गई, और फिर थोड़ी थोड़ी आवाजें मुझे आने लगी, एंड वन और टू संगत केम टू मी एंड दे वर सेइंग हाउ लकी यू आर, हाउ लकी यू आर। एंड आई डिड नॉट अंडरस्टैंड संगत जी, आई ट्रूली डिड नॉट। फिर मेरे हस्बैंड मेरे पास आए एंड ही सेड कि दिस पीपल आर सेइंग दैट दिस इज सचखंड का प्रसाद, डिवाइन प्रसाद, एंड वेन महाराज गिव्स दिस यू शुड शेयर इट विद एवरीबडी, वाई डिडंट यू शेयर इट विद एवरीबडी। आई सेड ही व्हाट, आई जस्ट डिड व्हाट ही टोल्ड मी तू खा ले, मैं खा लिया। संगत जी मे बी इट वॉज मेंट फॉर मी, बिकॉज वेन महाराज, नाउ आई नो दिस जर्नी सिंस 1989 टू 9, महाराज ने इतना कुछ सिखाया है। ही इज द पूरन गुरु, द सच्चा गुरु परमात्मा, इतना कुछ सिखाया है लाइक अ गुरु, वॉट टू डू वॉट नॉट टू डू, हाउ टू लीड दिस लाइफ। टूडे आई कैन से दैट वेन ही डज समथिंग देर इज अ पर्पज टू इट, विच दैट पर्पज अनफोल्ड्स इट सेल्फ ग्रेजुअली ओवर द ईयर्स, बट दैट डज नॉट मीन वी अंडरस्टैंड हिज वेज एंड हिज प्लान्स, वी विल नेवर बी एबल टू डू दैट। परमात्मा को कौन समझ सकता है, बट इतनी समझ महाराज ने डाल दी है कि ही लव्स हिज संगत, और हमेशा संगत का ही कल्याण करते हैं। जो कष्ट भी हम पे आते हैं, या हमें वी हैव टू एंड्योर देम, इट मे बी फॉर मंथ्स, इट मे बी फॉर ईयर्स, बट वी मस्ट नेवर फॉरगेट दैट महाराज इज मॉनिटरिंग अस, एंड महाराज हैंड्स आर फर्मली ऑन ऑन आर हेड्स, एंड ही इज ब्लेसिंग अस। जो भी कष्ट है वो कहते मेरे नाल कट लो, आई मेक इट 10% ऑफ, आई गिव यू ओनली 10% ऑफ वॉट यू आर मेंट टू हैव, एंड दैट 10% ऑल्सो आई ब्लेस इट सो दैट आप काट सकते हैं, आप उसको सहन कर सकते हैं। महाराज शक्ति दे देते हैं। और संगत जी क्या पता इस जन्म में हमारी किस्मत कितनी अच्छी है, गुरु महाराज हमें मिले हैं, परमात्मा हमारे गुरु हैं, परमात्मा की कृपा है हम पर। अगले जन्म का हमें क्या पता संगत जी, अगर हम गुरु महाराज की आज्ञा में रहे और जैसा वो चाहते थे अच्छे कर्म करें, सो ही विल आइदर गिव अस अ ब्यूटिफुल लाइफ और ही विल कीप अस विद हिम, बट वी डोंट नो। सो यही जन्म जो है इतना सुंदर है, इतना खुश नसीबी है हमारी, कि ये जो दिन बीत रहे हैं महाराज की मेहर से बीत रहे हैं, महाराज की याद में बीत रहे हैं, जो इतने साल टिल 2007 89 टू 2007, ऑल द डेज दैट वाज स्पेंट इन आई विल स्टे स्टार्टिंग गुरदासपुर, उसके बाद जलंधर, एंड देन 2000 ऑनवर्ड्स एम्पायर एस्टेट एंड बड़ा मंदिर, वो तो दिन जैसे स्वर्ग था, बिल्कुल माहौल स्वर्ग था, और जो खुशी अंदर से स्वर्ग में जाके शायद मिले, वी हैव एक्सपीरियंस दैट ओवर हियर। बट ओनली थिंग इज संगत जी, उस वक्त ये रियलाइजेशन नहीं हुई, जब महाराज चोले में थे, डेज स्लिप्ड इनटू वीक्स इनटू इयर्स, बट वी नेवर रियलाइज्ड कि हमें क्या मिला है और कितनी कृपा हम पे हो रही है और हमारे साथ कौन है। और ना ही हमने इतना शुक्राना किया, इस बात का मुझे थोड़ा सा रिग्रेट है कि महाराज के चोले में रहते हुए जो शुक्राना अब दिल से निकलता है, जो डीप कनेक्ट अब है इतने सालों के बाद जो है, इट वॉज नॉट सो। सो वेन सम पीपल से कि महाराज के, अगर आपको महाराज की कृपा चाहिए तो महाराज के साथ अपना कनेक्ट डीप करिए, संगत जी हम कुछ नहीं कर सकते, इट इज ऑल महाराज। गुरु जी जो चाहते हैं वो करते हैं, उनकी जो मौज आ जाए वो, ही डजंट नीड एनी थिंग फ्रॉम अस,
वो अपनी कृपा करते हैं, अपनी मेहर करते हैं, बट ये उनकी इतनी बड़ी मेहर है दैट ओवर दीज इयर्स ही हैज चेंज्ड मी। अब मैं अपने बारे में आज बात कर रही हूं एंड आई ऑल्सो नो सभी संगत की जो लाइफ है बदल जाती है, हमारी वैल्यूज बदल जाती हैं, हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाता है, दूसरों के प्रति हमारा नजरिया बदल जाता है। सच कितना अच्छा गिफ्ट है ये महाराज की तरफ से, जो वो चाहते थे और कहते थे बंदा बन जाओ, या किसी के एटीट्यूड बदल देते थे तो कहते थे बंदा बनाता। सो व्हाट ही मेंट वाज टू बी गुड ह्यूमन बीइंग्स विद वेरी वेरी हाई मॉरल वैल्यूज। संगत जी वी नो महाराज इज सदाशिव, और सदाशिव सबसे ऊपर है विद द हाइएस्ट मॉरल वैल्यूज, एंड दैट इज वॉट गुरु जी एक्सपेक्ट फ्रॉम हिज संगत। सो संगत जी कनेक्ट हैज बिकम डीपर एंड डीपर, एंड लाइक आई सेड जो आज तो एवरी मोमेंट हर दिन महाराज अपनी लीला दिखाते हैं और महाराज का हर पल का शुक्राना है। बट आई फ्रॉम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ पर्सनली, इतना डीप ग्रैटिट्यूड पहले नहीं था। वी वर सो हैप्पी विद हिज ब्लेसिंग्स, कितना कुछ महाराज हमारे लिए कर रहे थे। दिल में बात होती थी महाराज पूरा कर देते थे, कोई तकलीफ होती थी ज्यादा तो जब महाराज अपने आसन पे बैठते थे यू कुड नॉट टॉक विद हिम, बट कभी भी जब मौका महाराज ने दिया एंड एनीथिंग दैट वाज वरिंग अस महाराज को हमने एक्सप्रेस किया इवन इन जस्ट अ वर्ड और टू, ही जस्ट सॉल्व्ड इट फॉर अस। तो ये रियलाइजेशन का मौका ही नहीं मिला कि हम कितने खुशनसीब थे, बट इट इज महाराज ब्लेसिंग्स। सो आई विल नाउ कम टू उसके बाद संगत जी, जिस उसी दिन पहले दिन ही बाद में लंच के बाद भी जब हम महाराज के पास आसपास बैठे हुए थे, सो थोड़ी देर के बाद मेरे हस्बैंड ने कहा कि आई थिंक हमको अब चलना चाहिए, बिकॉज वी डिडंट नो कि महाराज कितनी देर उनके यहाँ बैठेंगे, बट काफी देर हो गई थी। तो फिर हमने गुरु जी से आज्ञा ली और हमने कहा गुरु जी अब हम चलते हैं। सो गुरु जी सर हाँ हुन तुसी चलो, कदी साडे वल भी आओ ना। ही गेव हिज एड्रेस इन जलंधर डिफेंस कॉलोनी 300 एंड बहुत बहुत ही प्यारी स्माइल देते हुए महाराज ने कहा कदी साडे वल भी आओ ना। हमने कहा जरूर आएंगे महाराज। सो दैट वॉज द ब्यूटिफुल जर्नी विच बिगैन विथ गुरु जी इन 1989 गुरदासपुर। उसके बाद संगत जी आफ्टर फ्यू मंथ्स हम जलंधर गए, हम दिल्ली हमारा होम टाउन है, वी वर ड्राइविंग टू दिल्ली बट वी वॉन्टेड टू स्टॉप एट जलंधर और हमने कहा महाराज को मिलना था। तो संगत जी हम जब जलंधर गए तो डे टाइम था, माय हस्बैंड मी बोथ माय चिल्ड्रन और हमारी हाउस हेल्प थी वो भी हमारे साथ रहती थी, ऑल ऑफ अस वी वेंट इनसाइड इन द दरबार और संगत जी महाराज बहुत खुश हुए। जो वहां संगत बैठे थे ही जस्ट सेड एमेनु मिलन आयन। संगत जी देर इज अ बिग मैसेज इन दैट, दे वो मतलब कुछ जरूरत नहीं थी बट एक महाराज का प्यार था जो वहां खींच के ले गया और इतने प्यार से महाराज ने बुलाया था। सो ही सेड एमेनु मिलन आयन एंड ही वॉज वेरी हैप्पी, हिज फेस वॉज फ्लशिंग एंड पिंक लाइक अ प्योर, परमात्मा इज प्योर लाइक अ चाइल्ड एंड ही ओनली वॉन्ट्स लव। कभी भी किसी महाराज के लिए जब जस्ट फॉर महाराज इफ एनी बडी डिड एनी थिंग महाराज यू कैन जस्ट विन हिम ओवर विद नो इंटेंशन ऑफ एनी काइंड। सो फिर हम वहां बैठे, वी हैड चाय इन जलंधर मंदिर एंड फिर थोड़ी देर के बाद हमारे एक पुराने फ्रेंड्स हैं जो जलंधर में अभी भी रहते हैं, तो गुरु जी से मेरे हस्बैंड ने कहा गुरु जी अब हम चलते हैं। तो गुरु जी से नहीं नहीं मेजर साहब तुसी भी साढ़े नाल चलो। गुरु जी वॉज गोइंग टू वन संगत्स हाउस और सो उन्होंने कहा कि मेजर साहब तुसी भी साढ़े नाल चलो। तो हमने जाना था कहीं और बट ही सेड ठीक है गुरु जी। तो हम खड़े हुए और गुरु जी भी खड़े हो गए और बाहर आ गए। जब बाहर आए हमने देखा गुरु जी की गाड़ी तैयार थी कहीं उनको ले जाने के लिए।
सो वी वेटेड कि महाराज अपनी कार में चले जाएंगे तो हम उनके पीछे पीछे जाएंगे, बिकॉज वी नेवर आस्ट कहाँ जाना है, ही नेवर टोल्ड अस कहाँ जाना है। सो गुरु जी आके जब बाहर खड़े हुए, फॉर अ मिनट ही लुक्ड एट हिज कार, देन ही लुक्ड एट आर कार, और महाराज कहते हैं नहीं मेजर साहब तुम्हारी गड्डी चलांगे। तो हमने फिर माय हस्बैंड जल्दी से गए और गाड़ी खोली और गुरु जी आ गए हमारी गाड़ी में। सो ऑल ऑफ अस, माई चिल्ड्रन, द हेल्प, महाराज एंड अस, हमारी कार में गए। तब हमारे पास फीएट थी एंड जैसा गुरु जी बताते गए, हम लोग गुरु जी गाइड कर रहे थे और हम लोग चल रहे थे। माई हस्बैंड वॉज ड्राइविंग। रास्ते में संगत जी, आई थिंक इट वॉज विंटर मंथ्स, तो रोड के साइड में मार्केट एरिया की तरफ ही था ये, एक जूस वाला खड़ा था जो फ्रेश जूस निकाल रहा था, किनू का फ्रेश जूस। सो गुरु जी लुक्ड एट अस एंड ही सेड जूस पियोगे? तो हमें लगा गुरु जी पीना चाहते हैं। हमने कहा हाँ जी गुरु जी जरूर पियेंगे। तो फिर साइड में मेरे हस्बैंड ने गाड़ी लगाई एंड गुरु ही गॉट ऑफ, माई हस्बैंड गॉट ऑफ द कार। तो गुरु जी ने अपना सिर नीचे करके जो जूस वाला खड़ा था उसको बस एक उसकी तरफ देखा, और देन माई हस्बैंड ने जो जितने ग्लासेस बनवाने थे जूस के वो बनवाए एंड फिर वो लेके आए जूस एंड ऑल ऑफ अस हैड जूस। फिर मेरे हस्बैंड जल्दी से चले गए कि उसके मैं पैसे दे दूं, ऐसा ना हो कि गुरु जी पैसे दे दें, बिकॉज गुरु जी ऑफर्ड। सो माई हस्बैंड फेल्ट मे बी ही विल पे। संगत जी वी वर सो, आई मीन से समटाइम्स आई फील नाइव, और समटाइम्स आई से बहुत ही इग्नोरेंट थे, और आई विल से जैसे गुरु जी कहते थे कि कहते मूर्खा मूर्खा दे असी दास, वी वर रियल मूर्ख्स, बट आई थिंक वी वर मूर्ख इन अ गुड वे, बिकॉज वी हैड नो आइडिया अबाउट हाउ गुरु जी कंडक्ट्स हिमसेल्फ और व्हाट ही इज एंड हु ही इज। सो उन्होंने जब पैसे देने लगे तो जो जूस वाला था ही जस्ट लुक्ड एट गुरु जी, वहीं से अपने स्टॉल से उसने गुरु जी की तरफ देखा और गुरु जी ने बस उसकी तरफ देखा, तो उसने हाथ जोड़ दिए, अपने कानों को हाथ लगाया एंड ही डिडेंट टेक एनी मनी। माई हस्बैंड इंसिस्टेड बट ही डिडेंट टेक एनी मनी। सो बहुत शुक्राना है गुरु जी का कि गुरु जी ने मौज तो करवाई, बट आई एम श्योर देयर वर सम ब्लेसिंग्स इन दैट। एंड उसके बाद हम चले गए उनके साथ, एक ऑफिसर के घर ही गए थे और वहां बैठे हम एंड देवर अदर पीपल ऑल्सो। वहां पे भी थोड़ी देर में आधा घंटा हम बैठे, देन हमने गुरु जी से कहा गुरु जी हूं असी चलिए। फिर गुरु जी कहते हाँ हूं तुसी जाओ। तो संगत जी फिर हम वहां से आ गए। नाउ दे आई डोंट नो व्हाट वाज इट दैट गुरु जी प्लैंड, बट 100% देवर सम ब्लेसिंग्स फॉर अस। कपल ऑफ ईयर्स लेटर मुझे पता चला इट वॉज अबाउट दिस कार, बिकॉज ये गाड़ी हमने अपने फादर इन लॉ से ली थी, वो नई ले रहे थे तो हमने ये सेकेंड हैंड उनसे ले ली थी। उन्होंने हमें कुछ साल बाद बताया कि जब ही वो ऑल्सो रिटायर्ड फ्रॉम द आर्मी, जब वो जलंधर में पोस्टेड थे, ही रिटायर्ड फ्रॉम जलंधर इन 1975, तब उस दौरान वो होशियारपुर गए थे, उनको पता लगा था भृगु महाराज का आश्रम था एंड ही वेंट देयर विद समबडी जस्ट टू फाइंड आउट, ही वॉज क्यूरियस। संगत जी दिस इज अ फैमिली, वी डोंट बिलीव एट ऑल इन पत्रीज, बट ही वॉज क्यूरियस टू नो वॉट दैट होल सेटअप वॉज अबाउट। ही वॉज अ कमांडर इन जलंधर। तो वहां जब गए, मेरी मदर इन लॉ साथ गई थी, तो उन्होंने उनसे उनकी डेट ऑफ बर्थ पूछी, और संगत जी वहां पे देवर आई बिलीव पत्रीज लाइंग, मतलब ढेर लगे हुए थे उस कमरे में, और आप अपना नाम एंड ईयर एंड टाइम ऑफ बर्थ अगर आपको पता है आप उनको बताइए, देवर सम टू और थ्री सेवादार्स आई बिलीव, तो अगर आपकी पत्री वहां मिल जाती है, बिकॉज भृगु महाराज हंड्रेड्स ऑफ इयर्स अगो वो लिख के गए थे कि जैसा जब कोई पैदा होता है, व्हाट इज द कॉन्स्टेलेशन, किस तरह के नक्षत्र हैं, उस हिसाब से उस पर्सन की लाइफ होगी। इट इज प्री प्लान्ड, एवरीथिंग इज प्लान्ड बिफोर द सोल कम्स इन टू द बॉडी, द लाइफ इज ऑलरेडी प्लान्ड बाय परमात्मा। एंड भृगु महाराज वॉज अ मास्टर ऑफ दैट साइंस एंड वो पूरा लिख के गए, और फॉर्चुनेटली मेरे फादर इन लॉ की पत्री मिल गई।
संगत जी वो देते नहीं थे आपको, देन इन दोज इयर्स दे वुड चार्ज 50 रुपए आपसे लेते थे और वो पूरा पढ़ के दे देते थे। आपने अगर लिखना है तो आप लिख लीजिए, सुनना है तो आप सुन लीजिए। माय मदर इन लॉ इज वेरी वेरी फ्लुएंट इन उर्दू, तो जो भी उन्होंने बोला उन्होंने सब लिख लिया। एंड संगत जी एवरी थिंग दैट वॉज रिटन इन दैट पत्री अबाउट माई फादर इन लॉज लाइफ 100% ट्रू। उसमें एवरीबडीज नेम, उनके बच्चों के नाम, माय हस्बैंड, मेरा नाम, द ईयर ऑफ मैरिज, द चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, एवरीथिंग। एंड वन ऑफ द थिंग्स वॉज ऑल्सो रिटन वाहन का एक्सीडेंट, महान एक्सीडेंट वाहन का, और उसमें कौन कौन बैठे होंगे पूरे नाम नहीं लिखे, सिर्फ फर्स्ट अक्षर लिखा होता है। 4 लोगों के नाम थे उसमें, जिसमें मेरा भी नाम था। मेरे हस्बैंड का नाम नहीं था, मेरा नाम था, फर्स्ट अक्षर मेरे ब्रदर का फर्स्ट अक्षर था, एंड 2 अदर पीपल। सो संगत जी नाउ आई डोंट नो, आई स्टिल डोंट नो वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, बट 2-3 साल पहले मुझे ये रियलाइजेशन हुआ। अपने आप तो हो नहीं सकता, महाराज ने रियलाइज कराया क्यों वो हमारी गाड़ी में उस समय बैठे थे। सो दैट इज वाई आई सेड कि महाराज की प्लानिंग्स, ही नोज उनकी ब्लेसिंग्स कब के लिए हैं, ही नोज दे अनफोल्ड देमसेल्व्स ओवर टाइम। सो आई रियलाइज्ड इट ओनली 3 years ago, प्रॉबेबली व्हाई ही सैट इन दैट कार। तो आई कैन ओनली से अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। सो दैट वॉज द फर्स्ट ट्रिप टू जलंधर। उसके बाद 2 और बार हम जलंधर गए, मैं अपनी मदर को भी लेके गई, एंड आई हैव शेयर्ड दैट सत्संग ऑल्सो मैनी टाइम्स, जिसमें यू नो जब मैं अपनी मदर को लेके गई, ऑफकोर्स महाराज ब्लेस्ड माई मदर, ही आस्क्ड हर आंटी जी फिर की सेवा करिए, एंड हम जितनी समझ थी, माई मदर टोल्ड हिम अबाउट हर हेल्थ इशू, और गुरु जी कहते हैं कोई गल नहीं आंटी, ठीक कर देने। गुरु जी उठ के आए, उन मम्मी मुड़े पे बैठे थे, गुरु जी ने पीछे उनकी बैक पे मुखियां लगाई और कहा आंटी ठीक हो जाना है। संगत जी शी डिड नॉट फील इमीडिएट रिलीफ, बट अगले कुछ महीनों में उनको पता नहीं चला कब वो दर्द चली गई फॉर लाइफ। उसी टाइम सेम डे दरबार में हम बैठे हुए थे, उस दिन पूरा दिन हम बैठे थे दरबार में, मैं अपनी मदर को दिल्ली से ले गई थी, तो मैं नीचे कारपेट पे बैठी थी, शाम का टाइम था, गुरुजी कमरे में ही खड़े थे दरवाजे के पास, तो मेरी तरफ देखते हैं और कहते हैं फोर फेर सब कुछ ठीक है। मैंने कहा गुरुजी सब ठीक है। महाराज ने एक बार फिर पूछा सब ठीक है ना, तो संगत जी एकदम मुझे जो याद आया कि उन दिनों मुझे गायनेकोलॉजी की बहुत बहुत ज्यादा तकलीफ थी, बट मुझे उस वक्त थोड़ी शर्म आई, बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू टेल गुरु महाराज, द यंग गुरु महाराज, मेरे को क्या तकलीफ थी। तो फिर गुरुजी ने एक और बार मुझे कहा फिर सब ठीक है। फिर उसके बाद गुरुजी किचन में चले गए, जलंधर का जो मंदिर का किचन है, गुरुजी वहां से आए, गुरुजी के हाथ में पान के पत्ते थे, आई डोंट रिमेम्बर कितने पत्ते थे, बट दे वर ओनली अबाउट 3 or 4। तो गुरुजी ने मेरे पास आ गए, मैं नीचे बैठी हूँ, गुरुजी खड़े हैं और वो पत्ते उनके हाथ में हैं। उन्होंने मुझसे मेरा फिर से नाम पूछा, डेट ऑफ बर्थ पूछी, और गुरुजी ने अपनी आंखें बंद करके उन पत्तों की तरफ अपना मुंह करके कुछ मंत्र पढ़ा। मुझे कुछ मंत्र वो समझ नहीं आया, फिर गुरुजी ने अपनी आंखें खोली, वो हाथ मेरे सामने किया जिसके ऊपर पत्ते थे, और मुझे दूसरे हाथ से इशारा किया पेट की तरफ नीचे, और मैनू कहंदे तू इनानू एथे रख ले ते शामी सुट दे, शामी मीन्स मे बी लेटर ऑन इन द इवनिंग। तो संगत जी मैंने वो पत्ते लिए, मैंने उनको जैसे गुरुजी ने बताया था वहां रख लिए अपने नीचे पेट पे, और लेटर इन द इवनिंग फिर मैंने फेंक दिए जैसे गुरुजी ने मुझे समझाया था। संगत जी गुरुजी को सब पता है, आई डिड नॉट हैव टू टेल हिम एनीथिंग। एंड संगत जी ये भी ब्लेसिंग्स महाराज ने मुझे बहुत आगे तक के लिए दी थी,
बिकॉज गुरु जी को पता था कि उसके बाद कई सालों तक हम गुरु जी से नहीं मिल पाएंगे। मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग काफी नॉर्थ या वेस्ट, ईस्ट, साउथ ऐसी जगहों पे थी, गुरु जी से हमारा कोई कनेक्ट नहीं था और ना ही हमारे पास घर में कोई टेलीफोन था, ना ही कोई ऐसी संगत थी जो गुरु जी की बातें करती थी। और हमारे माइंड से भी गुरु जी का जो विचार था, मतलब आई विल से ओझल हो गया, आई वोंट से खत्म हो गया बट ओझल हो गया था। आई डोंट नो व्हाई महाराज की, दैट इज हिज प्लानिंग, पर उन्होंने दूर तक की ब्लेसिंग्स दी। ये तकलीफ मेरी चलती रही बट देर वॉज नथिंग दैट आई वॉज नॉट एबल टू डू, एवरीथिंग आई वॉज डूइंग। फिर 1999 में मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग हैदराबाद में थी, तब ये प्रॉब्लम काफी बढ़ गई और हमने कंसल्ट किया डॉक्टर्स को हैदराबाद में, उन्होंने सिविल में भी और आर्मी में भी, उन्होंने सबने कहा कि आपको सर्जरी करानी चाहिए हिस्टरेक्टमी। तो जब हमें दो तीन जगह से वही ओपिनियन मिला, बिकॉज दे व्हाट द डॉक्टर सेड वाज कि आपको ज्यादा देर नहीं टालना चाहिए बिकॉज द सेल्स आर चेंजिंग कलर, द इंडिकेशन वाज कि अगर आप इसको छोड़ेंगे तो कैंसर हो सकता है। तो फिर मेरे बच्चे तो काफी बड़े थे तब, सो वी सेड ओके। उन्होंने कहा कि आप 2 महीने का जब आप बेड रेस्ट कर सकेंगी तब आप आ जाइए। तो हमने बिल्कुल डिले नहीं किया, संगत जी हमने प्लान किया कि हम वहां हैदराबाद में ही कराएंगे आर्मी हॉस्पिटल में। पर संगत जी गुरु जी के जो प्लान्स हैं, बिना आपको कहे, बिना उस शहर में रहे, ही विल प्लान योर लाइफ, ही विल प्लान एवरीथिंग दैट ही वॉन्ट्स हिज संगत टू डू। मेरे हस्बैंड उसी अगले हफ्ते दिल्ली जा रहे थे किसी काम से, उनके साथ फ्लाइट में जो लेडी बैठी थी, शी वॉज हेड ऑफ डिपार्टमेंट गायनोकोलॉजी दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल की, प्रोफेसर मित्तल, उनसे मेरे हस्बैंड ने मेरी तकलीफ का जिक्र किया। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास अब नई लेजर ट्रीटमेंट आई है, बिल्कुल आधुनिक है, आप अपनी वाइफ को मेरे पास दिल्ली भेजिए, आई विल लुक एट हर एंड देन आई विल गाइड। संगत जी बस महाराज की प्लानिंग थी, और मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि महाराज कर रहे हैं, बट आई रियलाइज्ड इट लेटर। तो मैं अगले हफ्ते गई, कोई हमारी जान पहचान एम्स में नहीं, बस हम जो उन्होंने नंबर दिया था मैंने उनको फोन किया, उन्होंने जैसे कहा मैं गई। और जब मैं गई, इतनी भीड़ थी वहां, देयर वर सो मेनी पीपल आउटसाइड दैट डोर इन द कॉरिडोर, बट तो मैंने कहा पता नहीं मेरे को देखेंगे भी कि नहीं। तो जैसे ही मैंने अपना वो दरवाजा उनका खोला, अपना नाम बताया, संगत जी शी कॉल्ड मी इनसाइड, शी चेक मी अप, और उन्होंने मुझे डेट भी दे दी फॉर सर्जरी। और शी सेड कि आई थिंक आपके लिए प्राइवेट कमरा बेटर रहेगा, यू विल नॉट बी कंफर्टेबल इन द वार्ड। तो मेरे को प्राइवेट कमरा भी मिल गया विदाउट एनी कनेक्शंस, विदाउट वी मेकिंग एनी एफर्ट। तो संगत जी जो मेरी सर्जरी थी उसके पहले मुझे मुझे घबराहट थी, बिकॉज हैदराबाद में एक बार हम कहीं गए थे मेरी बेटी के साथ, उसकी फ्रेंड्स के साथ, मुझे वो लेके गई और वहां पे कोई बैठे थे जो ज्योतिषी थे, वो सबको बता रहे थे उनकी लाइफ के बारे में डिफरेंट थिंग्स, एंड माय डॉटर सेड कि मामा लेट्स हम भी पूछते हैं। आई सेड नो, आई डू नॉट वांट टू आस्क, बिकॉज व्हाट इज इट दैट वी वांट टू नो, आवर लाइफ इज सो गुड। बट संगत जी कई बार जो होना है वो तो होगा। सो फिर मैं और मेरी बेटी भी उनके पास आगे बैठे, सो जो भी कुछ उन्होंने बताया, व्हाट ही टोल्ड मी वॉज जस्ट एक्चुअली अनबिलीवेबल। ही टोल्ड मी आई हैव 5 years टू लिव, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 99, एंड ही सेड मे बी 98, ही सेड आई हैव 5 years टू लिव, एंड ही ऑल्सो टोल्ड मी सम उपाय, इफ इतना दान सम अनाज ये वो, एंड यू कैन डू दिस। संगत जी मैंने बाहर तो दिखाया कि मैं, इट हैज नॉट इफेक्टेड मी, बिकॉज आई डिडंट वॉन्ट टू शो माई वाइफ माई डॉटर दैट आई एम नर्वस, और अपने हस्बैंड को तो बिल्कुल भी मैंने जाके नहीं बताया, बिकॉज ही वुड हैव बीन सो एंग्री दैट वाई डिड आई गो टू समबडी लाइक दैट। बट संगत जी इट इफेक्टेड मी इन अ
इन अ नेगेटिव वे बिकॉज पर उन्होंने जो उपाय बताया था, आई टोल्ड माई डॉटर, आई सेड वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दिस एट होम, बट वी विल डू एवरीथिंग ही सेज, बट आई एम नॉट गोइंग टू गिव हिम. सो संगत जी, हमारे घर के पीछे नहर थी, जो भी सामान था मैं लेके आई, और जैसे मैंने कहा महाराज, तब मुझे नहीं पता था दैट गुरु जी महाराज इज शिव जी, सदा शिव, बट मैं शिव जी की ही हमेशा आराधना करती थी. तो ओम नमः शिवाय बोलते हुए मैंने वो सारा जो भी सामान था उस नहर में बहा दिया. एंड देन आई जस्ट ट्राई टू फॉरगेट अबाउट इट, बट इट्स नॉट ईजी बिकॉज द टाइम वॉज टू शॉर्ट. एंड संगत जी, वेन दिस सर्जरी हैपेंड, नो, सो इट कान बी 99, इट हैज टू बी 5 years, इट हैज टू बी अराउंड 94. और क्योंकि बिल्कुल जब 5 साल हुए, दैट इज द टाइम जब मेरी सर्जरी हुई. तो जब मैं एम्स में एडमिट थी, मेरे दिल के अंदर माई डॉटर हैड फॉरगॉटन, बट मेरे को जो हॉन्ट कर रहा था कि शायद मैं अंदर जाऊंगी ओटी में और बाहर नहीं आऊंगी. एंड आई वॉज यू नो इमोशनली बिकमिंग वीकर बिकॉज चिल्ड्रन, ऑफकोर्स माई डॉटर वॉज वो तो तब कॉलेज में थी, बेटा भी हाई स्कूल में था, बट आई स्टिल दे वर यंग, रिस्पॉन्सिबिलिटीज वर देयर. सो मैं घबरा रही थी अंदर. सो नेक्स्ट डे मेरी सर्जरी थी. उसी रात को मेरे हस्बैंड हैदराबाद से आए और उनके हाथ पीछे थे. सो मुझे कहते हैं सी हु हैज कम विद मी, और उन्होंने अपना हाथ आगे किया और उनके हाथ में वो शंकर बाबा की मूर्ति थी जो हमारे घर में हमेशा शुरू से मेरे पास है. सिंस द टाइम आई गॉट मैरिड, इट वॉज गिफ्टेड टू मी बाय माई बुआ जी. और उन्होंने वो आगे किया और काशी आप इनको भूल आई थी वहां, ही हैज कम विद मी टू ब्लेस यू. आई नेवर थॉट माई हस्बैंड वुड से समथिंग लाइक दैट. एंड तब हम ये कहते भी नहीं थे कि गुरु जी हैज कम टू ब्लेस यू और शिव जी महाराज हैज कम टू ब्लेस यू, बट ही सेड दैट. और वो जो शिव जी की मूर्ति अभी भी मेरे पास है, मेरे सामने ही है. ही केप्ट इट ऑन माई बेड साइड टेबल. संगत जी देखिए, महाराज आ गए. एंड आजकल तो हम व्हेन देयर इज सम मेडिकल ट्रीटमेंट, हम गुरु जी की का स्वरूप रखते हैं साथ में, गुरु जी के पेंडेंट्स रखते हैं, बट आ गए, अपने आप ही आ गए ब्लेस करने के लिए. एंड संगत जी, ऑफकोर्स द सर्जरी वेंट वेरी वेल. एंड यू नो व्हाट द अमेजिंग थिंग इज, सर्जरी के बाद जो भी हमारे रूम एक्सपेंसेस थे, मेडिसिन एंड दिस, वो सब वर चार्ज्ड. डॉक्टर की फीस वॉज नॉट चार्ज्ड एट ऑल. सो वी आस्ट कि कहते हैं कि डॉक्टर मित्तल ने फीस नहीं ली. सो वी इंसिस्टेड बट शी डिडंट टेक. आई डोंट नो व्हाट हाउ गुरुजी प्लान्ड. इट वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम गुरुजी, इट वॉज हिज ब्लेसिंग्स. सो संगत जी, अनदर मैसेज दैट आई थिंक गुरुजी वॉन्ट्स मी टू शेयर इज कि वी शुड जस्ट लीव इट टू गुरुजी. जैसा गुरुजी हमारी लाइफ प्लान करते हैं, वी शुड जस्ट गो अहेड विद इट. कभी कभी तो संगत जी, आई एम टॉकिंग अबाउट हेल्थ इश्यूज हियर फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी तो हेल्थ इश्यूज को महाराज अपनी दृष्टि से ही ठीक कर देते थे अपने. लाइक द फर्स्ट टाइम ही जस्ट अलाइंड माई बैक, देन माई मदर को विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स दैट गॉट ओके. बट मेरी हिस्टरेक्टमी के लिए मेरी सर्जरी कराई उन्होंने. कहाँ करवानी थी, महाराज ने चूज किया कि एम्स में करानी है दिल्ली, वहां हुई. आफ्टर दैट नाउ आई एम जस्ट गोइंग बैक, एम्पायर स्टेट की बात कर रही हूँ, बिकॉज बिफोर दैट आई गॉट स्लिप डिस्क और मैं 8 महीने बेड पे थी. फिर शुरू शुरू में जब एम्पायर स्टेट जाना शुरू किया, सो एक बार आई वॉज स्टिल सफरिंग और मेरे हस्बैंड ने एक बार महाराज से पूछा कि गुरु जी डॉक्टर कहते हैं सर्जरी कर दी है, तो गुरु जी कहते नहीं सर्जरी नहीं करानी. ये दिस वॉज अबाउट द स्लिप डिस्क, ही सेज नहीं करानी सर्जरी. तो तब महाराज ने नहीं करने दी. एंड धीरे धीरे आई डोंट नो व्हेन इट हैपेंड, सो मेनी टाइम्स गुरु जी सेड कल्याण करता, ऐश करो, कल्याण हो गया. तब इन बातों का समझ नहीं थी, बट आई नो आफ्टर सम टाइम दैट पेन विच वॉज इम्पॉसिबल, आई मीन नोबडी कुड ट्रीट इट, इट वेंट अवे.
महाराज की कृपा से, महाराज की दृष्टि से, विद द लंगर प्रसाद एंड चाय प्रसाद एंड सो मेनी अदर ब्लेसिंग्स जो महाराज के दरबार में होती हैं, एंड देर आर मेनी अदर थिंग्स यू नो मेरे सो कभी तो महाराज अपनी कृपा कर देते हैं, और कभी जब मेडिकल डॉक्टर्स के थ्रू महाराज ने हमारे को ब्लेसिंग देनी है, देन ही डज दैट. देर आर मेनी सत्संग विच, लेट्स सी हाउ मच टाइम आई गेट टूडे अबाउट यू नो माई कैटरैक्ट सर्जरी, देन देर वॉज रिफ्लक्स, यूटीआई, सो मेनी थिंग्स जो महाराज ने कभी डॉक्टर्स के पास भेजा, कभी सिर्फ खुद ही कल्याण कर दिया. सो इट इज महाराज मर्जी, एंड आई थिंक वी शुड जस्ट एक्सेप्ट हिज हुक्म एंड हैव द ट्रस्ट कि वॉट ही डज इज फॉर आवर बेनिफिट, वेदर वी रियलाइज इट देन ओ हमें बाद में समझ आए, बट इट इज ऑलवेज फॉर आवर बेनिफिट. तो संगत जी, आई थिंक आई विल शेयर वन और टू मोर सत्संग, दैट इज द टाइम दैट आई फील. एक आ डिवाइन सत्संग, यू नो आई कॉल देम स्पेशली, एवरीथिंग इज डिवाइन हिज ब्लेसिंग्स, बट एक आ सत्संग ऐसे हैं जो अगर हम किसी नॉन संगत को बताएंगे, सो दे विल जस्ट नॉट बिलीव इट. एंड इवन फॉर संगत, ये एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं कि यू रियली फील दे आर ट्रूली डिवाइन. सो आई विल टेल यू अबाउट अबाउट 5 years अगो, 5 साल पहले एक बार मैं रात को सो रही थी और मुझे ऐसा लगा, ये महाराज के जो ड्रीम दर्शन होते हैं, अभी मैम आई कैन नॉट सी महाराज, बट व्हाट आई एम एक्सपीरियंसिंग इज कि मेरा माय हार्ट इज बीटिंग वेरी फास्ट, बहुत जोर जोर से, नॉट ओनली फास्ट, जो धड़कन है बहुत आवाज है उसकी तेज, एंड इट इज बीटिंग सो लाउडली, और नींद में ही आई एम अवेयर ऑफ इट. एंड देन मैं वो अपना हाथ अपने दिल पे रखती हूँ, तो आई रियलाइज कि मेरा दिल तो धड़क ही नहीं रहा, एंड देन दिस इज ऑल आई एम एक्सपीरियंसिंग. मैं सोई हूं बट मैं पूरी, मुझे ये एक्सपीरियंस हो रहा है कि जब मेरे को लगा कि मेरा हाथ दिल तो नहीं धड़क रहा, पर मेरे को ये आवाज, इतनी दिल धड़कने की आवाज आ रही है. संगत जी, आई टर्न माई साइड एंड वॉट डू आई सी कि मेरे सामने मैं लेटी हुई हूं और सामने मेरी आंखें अभी भी बंद है, देयर इज अ वेरी बिग, बड़ा सा लाल रंग का दिल है और वो धड़क रहा है, एंड इट इज वेरी क्लोज टू माई बॉडी, इतनी जोर से धड़क रहा है. एंड देन आई सी कि माई आर्म्स गो आउट एंड आई ब्रिंग दैट हार्ट टूवर्ड्स मी, और मेरे मुंह से निकल रहा है, कम गुरु जी, आ जाओ गुरु जी, आ जाओ गुरु जी, एंड दैट हार्ट जस्ट गोज इन टू माई बॉडी. It's not that my body gets cut and it goes in, but I'm experiencing it that the heart goes in. And Sangaji, when that heart goes in, उसके बाद मेरी नींद खुलती है. And I get up and मुझे महाराज की आवाज आती है, चल हुन तू मेरी आरती कर. Not मेरी, he said, चल हुन तू आरती कर. Sangaji, I was still in shock. What happened? What did I see? And then he says, आरती कर. तो संगत जी, आई वॉज अ लिटिल, आई डिडंट नो कि मैं अब आरती की थाली सजा के लाऊं, क्या करूं, आई डिडंट डू दैट. पर मैंने अपने महाराज का स्वरूप, मेरे कमरे में है, मेरे बेड के साइड में ही है, आई सैट ऑन द बेड और मैंने महाराज की आरती की, जोर से नहीं की बिकॉज इट वुड बी डिस्टर्बिंग एट नाइट, इट वॉज अर्ली मॉर्निंग आवर्स. सो संगत जी, दिस एक्सपीरियंस वॉज, आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट वॉट इट वॉज. And what Maharaj did, I still don't know. Whether उन्होंने मेरा कोई कष्ट दूर किया, आने से पहले ही कष्ट दूर किया, या he filled me up with his love, he turned, changed me as a person that I just totally in love with my Maharaj, I don't know. But this is a very beautiful experience. And Anantam Shukrana Maharaj. Sangaji, I will also share with you one experience. ये मैं है, दिस इज 2020 फेब्रुवरी की बात है, शायद इट इज जस्ट बिफोर कोविड, तब अब कोविड का इतना पता नहीं था, बट मेरी सिस्टर बाहर से आई थी कैनेडा से, एंड जब वो आई तो शी सेड वी नॉर्मली गो आउट फॉर सम फ्यू डेज, तो वी डिसाइडेड टू गो टू औरंगाबाद. औरंगाबाद में अजंता केव्स हैं, शी वॉन्टेड टू सी अजंता एंड एलोरा केव्स.
एक्चुअली आई वॉन्टेड टू गो टू उज्जैन. मेरा दिल था कि मैं वहां पे जो शिवलिंग है उज्जैन, वहां मैं जाऊं, ज्योतिर्लिंग की दर्शन करूं, ब्लेसिंग्स लूं. एंड आई ट्राई टू कन्विंस हर, शी इज ऑल्सो शिव भक्त, यू नो, लाइक आई सेड, कंप्लीट फैमिली इज शिव भक्त. बट शी इज ऑल्सो, मेरे समधी भी वहां नजदीक इंदौर में रहते हैं. सो शी से नहीं, वहां पे तुम फिर वो समधियों के साथ टाइम स्पेंड करोगी एंड वी विल नॉट बी एबल टू डिवोट मच टाइम टू साइट सीइंग. सो आई सेड ठीक है, जो आप चाहती हैं वी विल डू दैट. सो शी डिसाइडेड कि हम अजंता एलोरा केव्स जाएंगे. सो आई सेड ठीक है महाराज, यू नो आई मीन आई वॉन्टेड टू गो देयर बट एज यू विश. सो संगत जी, हम जब वहां गए तो उधर पहले जाने से पहले ही आई वॉज रिसर्चिंग अ लिटिल बिट, तो ये पता चला कि औरंगाबाद में भी एक ज्योतिर्लिंग है, घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग. सो आई वॉज वेरी हैप्पी एंड आई टोल्ड हर कि जब हम पहुंचे, आई सेड फर्स्ट थिंग वी विल डू इज पहले हम शिव मंदिर जाएंगे. शी सेड ओके. सो हम पहले शिव मंदिर गए, हमने ज्योतिर्लिंग पे जल चढ़ाया, दूध चढ़ाया और वहां हमने दर्शन किए. फिर हम बाहर आ गए, 10-15 मिनट हम वही मंदिर के बाहर आंगन में बैठे रहे और अपने शिवजी महाराज को याद करते रहे. गुरु महाराज को मैं याद करती रही, उनकी आस्था मेरी सिस्टर की, तो शी हैज मेट गुरु जी 3 times, गुरु महाराज हैज ब्लेस्ड हर, बट फॉर हर शिवजी महाराज इज हर डेटी. तो उस फिर हम लोग गए और अजंता एलोरा केव्स जो है, एलोरा केव्स में एक बहुत बड़ा सुंदर एक सिंगल पत्थर से जो बना हुआ है केव, इट इज कॉल्ड कैलाशा. उसमें पूरी कार्विंग्स हैं अबाउट शिवजीज लाइफ, बिकॉज आई हैविंग रेड शिव पुराण अ फ्यू टाइम्स, कंप्लीट लाइफ ऑफ शिवजी इज डिपिक्टेड देयर एज कार्विंग्स. बहुत ही सुंदर है. इट मंदिर नहीं है वो, इट इज अ हेरिटेज साइट. एंड संगत जी फिर, और बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा है. सो हम देख रहे थे, उसके बाद एक छोटे से कमरे में गए और वो कमरा छोटा था, उसमें कुछ भी नहीं था. पर जैसे ही हम अंदर गए, बहुत स्ट्रॉन्ग गुरुजी महाराज की फ्रेग्रेंस आई और फ्रेग्रेंस ठंडी हवा के झोंकों के साथ आई. तो इतना स्ट्रॉन्ग था वो फ्रेग्रेंस और ऐसे वो आया जैसे बहुत जबरदस्त झोंका. सो आई आस्क माई सिस्टर, हैव यू फेल्ट, डिड यू फील दिस फ्रेग्रेंस, आर यू फीलिंग इट? शी सेड यस आई कैन. संगत जी वो बस पूर, और आस, वो कमरा भी थोड़ा डार्क था, कोई उसमें अगरबत्ती नहीं, कोई फूल नहीं. जैसे मैंने कहा ये मंदिर नहीं है, इट इज कॉल्ड कैलाशा, दीज आर एलोरा केव्स, देर आर नो फ्लावर्स ओवर देयर, बट महाराज वॉज देयर. एंड 2 घंटे हमने लगाए वो पूरा कैलाशा देखने के लिए एंड महाराज वॉज विद अस. गुरु जी की फ्रेग्रेंस जैसे, मतलब ठंडी हवा के झोंकों के साथ आगे से पीछे तक पूरा मेरे आसपास आसपास दैट फ्रेग्रेंस वॉज देयर. इट वॉज अ ब्यूटिफुल फीलिंग. और देखिए संगत जी, महाराज सेज यू डोंट एक्चुअली नीड टू गो एनी वेयर, बट तुम्हारा दिल था, यू केम. महाराज ने फिर अपनी प्रेजेंस फील कराई. सो फॉर अबाउट 2 आवर्स, जितनी देर हम कैलाशा में थे, गुरुजी हमारे साथ थे विद दैट वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस एंड ठंडी हवा के झोंके हमारे, मेरे बिल्कुल आसपास आसपास थे. एंड माय सिस्टर आल्सो एक्सपीरियंस दैट फ्रेग्रेंस. अच्छा संगत जी, फिर मैं एक फ्रेग्रेंस का ही और बताती हूँ. ये है 2019 में, दैट टाइम माय मदर वाज 88 और शी वांटेड टू, मेरी सिस्टर के जो ग्रैंड चिल्ड्रन है, तो मेरी मदर के ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन जो थे, 3 of them, उनको उन्होंने नहीं देखा था. उनका बहुत दिल था देखने को, बट बच्चे क्योंकि छोटे थे, माय सिस्टर सेड अभी उनको इंडिया में नहीं लाएंगे बिकॉज यहाँ आके कुछ ना कुछ तकलीफ बच्चों को हो जाती है बिकॉज ऑफ लेस हाइजीन. तो अभी, बट मेरी मदर का दिल था एंड एट 88 शी वॉज नॉट श्योर हाउ मेनी ईयर्स शी विल हैव, सो शी वॉन्टेड टू गो टू मॉन्ट्रियल. नाउ माई ब्रदर वॉज नॉट श्योर एट दैट स्टेज एंड सम मेडिकेशन ऑल्सो उनकी चलती थी. देन शी टोल्ड मी, वेन आई वेंट टू विजिट हर, शी सेड दिस वॉज अ संडे,
ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੇਂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਤੋ ਮੈਨੇ ਉਨਕੋ ਬੋਲਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਬਟ ਜਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਆਗੇ ਮੈਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਫ ਯੂ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਆਈਡੀਆ ਫਾਰ ਮਾਈ ਮਦਰ ਟੂ ਗੋ ਐਟ ਦਿਸ ਸਟੇਜ ਦੈਨ ਆਪ ਪਲੈਨ ਕਰ ਦੋ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪ ਪਲੈਨ ਕਰੇਂਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਲੀਜ਼ ਕਮ ਵਿਦ ਅਸ। ਬਸ ਆਏ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੇ ਜੈਸੇ ਕਿਹਾ ਦਿਸ ਵਾਸ ਸੰਡੇ। ਫੋਰਚੁਨੇਟਲੀ ਵਿਦ ਹਿਸ ਗ੍ਰੇਸ ਹਮ ਦੋਨੋਂ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵੈਲਿਡ ਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕੇ। ਥਰਸਡੇ ਕੋ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹਮ ਫਲਾਈਟ ਮੇ ਥੇ। ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਸ ਨਾਟ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟ, ਹੋਲਟਿੰਗ ਫਲਾਈਟ ਥੀ। ਬੀਚ ਮੇ ਲੇ ਓਵਰ ਥਾ 5-6 ਘੰਟੇ ਕਾ। ਤੋ ਕਰੀਬ 24 ਘੰਟੇ ਕੀ ਤਰਫ ਇੱਕ ਤਰਫ ਔਰ 15 ਦਿਨ ਕੇ ਬਾਅਦ ਹਮ ਵਾਪਿਸ ਆਏ, ਵੋ ਵੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਥਾ। ਆਲ ਦੋਸ 15 ਡੇਜ਼ ਮਾਈ ਮਦਰ ਵਾਸ ਦੇ, ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਇਨ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈਲਥ। ਸਭ ਕੁਛ ਖਾਇਆ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਘੁੰਮੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਬਲੈਸਿੰਗਸ। ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਮੋਰ ਐਕਟਿਵ ਦੇਰ ਦੈਨ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਹੇਅਰ ਵਿਦ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਟ ਆਲ ਆਫ ਐਨੀ ਕਾਇੰਡ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇਖੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਫੀਲ ਕਰਾਈ। ਮੈਂ ਹਮ ਲੋਕ ਵਹਾਂ ਪੇ ਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਮੇ, ਔਰ ਜੈਸੇ ਵਹਾਂ ਕੇ ਘਰ ਹੈ 3-4 ਫਲੋਰਸ ਕੇ ਹੋਤੇ ਹੈ। ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਪੇ ਹਮ ਥੇ ਤੋ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਔਰ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਮੁਝਸੇ, ਵੋ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਪ ਪਲੈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ ਦੁਬਈ ਕੇ ਲੀਏ। ਤੋ ਮੁਝਸੇ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਪੁੱਛਾ ਕਿ ਆਪਕਾ ਅਮੈਰੀਕਾ ਕਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੈਲਿਡ ਹੈ। ਆਈ ਸੈਡ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਆਈ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਚੈੱਕ। ਤੋ ਆਪ ਮੁਝੇ 10 ਮਿੰਟ ਕੇ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਤੀ ਹੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਮੈਰੀਕਾ ਕਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਸਟ ਪਲੀਜ਼ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਮਿੰਟ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਹੈਵ ਸਮ ਵਾਟਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਗਈ ਆਪਣੇ ਸੈਕਿੰਡ ਫਲੋਰ ਪੇ, ਮੈਂ ਗਈ, ਮੈਨੇ ਅਲਮਾਰੀ ਖੋਲੀ ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਿਕਾਲਾ। ਜੈਸੇ ਹੀ ਮੈਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਖੋਲਾ, ਉਸਮੇ ਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਇਤਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਫ੍ਰੇਗਰੈਂਸ, ਇਤਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਫ੍ਰੇਗਰੈਂਸ ਕਿ ਅੰਦਰ ਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਥੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਦੇਖ ਮੈਂ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਮੁਝੇ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਯੂ ਰਿਕੁਐਸਟਿਡ ਮੀ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਹੇਅਰ ਵਿਦ ਯੂ। ਕਿਤਨੀ ਅੱਛੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਵਾਪਸੀ ਪੇ ਵੀ ਜਬ ਹਮਾਰੀ ਫਲਾਈਟ ਥੀ, ਵੋ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਥੀ, ਤੋ ਲੰਬੀ ਕਾਫੀ 25-26 ਘੰਟੇ ਰਾਸਤੇ ਮੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਮੇ ਥੇ ਹਮਾਰੇ। ਤੋ ਜਬ ਹਮਨੇ ਫਲਾਈਟ ਬੋਰਡ ਕਰ ਲੀ ਮੋਂਟਰੀਅਲ ਸੇ, ਤੋ ਜਬ ਖਾਣਾ ਸਰਵ ਹੋਣੇ ਲਗਾ, ਉਸਕੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੇ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਕੋ ਕਹਾ, ਮੰਮੀ ਆਪ ਐਸੇ ਕਰੋ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਬ ਖਾਣਾ ਸਰਵ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ੀ ਲੁਕਡ ਇਨ ਟੂ ਹਰ ਬੈਗ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਸੈਡ, ਲੈ ਦਵਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ, ਉਤੇ ਸੂਟ ਕੇ ਸਿੱਚੇ। ਨਾਓ ਦੈਟ ਵਾਸ ਅ ਸ਼ੌਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਨੇ ਘੰਟੇ ਕਾਟਨੇ ਥੇ। ਸੋ ਅਬ ਮੈਨੇ ਉਨਕੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿਣੇ ਸੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਕਾਂਟ ਗੈਟ ਦ ਮੈਡੀਸਨ ਨਾਓ। ਦੈਨ ਸ਼ੀ ਟੋਲਡ ਮੀ ਕਿ ਬਟ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਰਾਤ ਕੋ ਵੋ ਲੇਤੀ ਹੈ, ਸ਼ੀ ਸੇ ਵੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਾ ਉਸਮੇ ਸੇ ਲੈ ਲੇਤੀ ਹੂੰ। ਆਈ ਸੇ ਨੋ ਮਾਮਾ, ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਡੂ ਦੈਟ, ਲੈਟਸ ਨਾਟ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਵਿਦ ਦ ਡੋਜੇਜ ਅਬਾਊਟ ਦ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ। ਐਂਡ ਆਈ ਜਸਟ ਸੈਡ, ਮਾਮਾ ਡੋਂਟ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਹੈ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋਗਾ। ਐਂਡ ਆਈ ਪ੍ਰੇਡ ਟੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਨ ਮਾਈ ਹਾਰਟ। ਐਂਡ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਦਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਰਾਸਤੇ, ਸ਼ੀ ਹੈਡ ਆਲ ਹਰ ਮੀਲਸ, ਸ਼ੀ ਇੰਜੋਇਡ ਹਰ ਵਾਈਨ, ਸਭ ਕੁਛ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਆ ਮੰਮੀ ਕੋ। ਔਰ ਜਬ ਹਮ ਉਤਰਨੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ, ਮੈਨੇ ਇੰਡੀਆ ਜਬ ਡੈਲੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਆਪ ਅਭੀ ਇਨਸੁਲਿਨ ਆਪ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਮੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ੀ ਸੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ, ਆਈ ਵਿਲ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰੂੰਗੀ। ਸੋ ਯੂ ਕਾਂਟ ਆਰਗਿਊ ਵਿਦ ਯੋਰ ਓਲਡ ਮੋਮ। ਤੋ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਜੀ ਡਿਡ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆਫਟਰ ਕਪਲ ਆਫ ਆਵਰਸ, ਤਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨਸੁਲਿਨ ਲਗਾਇਆ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਟੇਕਸ ਕੇਅਰ ਆਫ ਅਸ, ਹੀ ਨੋਜ਼ ਵੈਨ ਵੀ ਨੀਡ ਹਿਮ, ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਦੇਅਰ ਫੋਰ ਅਸ ਐਂਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਦੇਅਰ ਫੋਰ ਆਲ ਆਫ ਅਸ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਵਿਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵਨ ਮੋਰ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸਤਸੰਗ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਮੇ ਬੀ ਅਬਾਊਟ, ਇਹ ਵੀ 2020 ਕੇ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਯਹੀ ਸੇ ਜਬ ਮੈਂ ਵਹਾਂ ਸੇ ਮੋਂਟਰੀਅਲ ਸੇ ਵਹਾਂ ਜਬ ਮੈਂ ਮੋਂਟਰੀਅਲ ਮੇ ਥੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਮੇ ਬਹੁਤ ਥਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਲਈ ਅੱਛੇ ਸੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ ਯਹਾਂ ਸੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਨੋ ਹੀ ਲਾਈਕਸ ਦ ਬੈਸਟ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੁਝੇ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ ਦੀਏ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਊਂ, ਆਈਦਰ ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਲਾਈਕ ਦ ਕਲਰ
ओ द साइज, यू नो, लेटर ऑन आई रियलाइज कि गुरुजी तो हर साइज में फिट हो जाते हैं, बट आई वॉज लुकिंग फॉर हिम फॉर नंबर 7 और 8 एंड आई डिडेंट लाइक एनीथिंग। फिर वहां से जब वापस आए तो मेहरोली पे भी बहुत शोरूम्स हैं अच्छे, वहां मैं वहां भी गई, मुझे कोई पसंद नहीं आया या नॉट गुड इनफ फॉर हिम, और मे बी महाराज नहीं चाहते थे मेरे से वो जूते लेना एज अ गिफ्ट, आई डोंट नो। सो फिर घर में एक सत्संग रखा था और मेरा दिल था कि मैं उस दिन वो नए शूज रखूंगी दरबार में महाराज के लिए, बट ऐसा हो नहीं पाया तो मेरा दिल थोड़ा उदास था। सुबह मैं जब दरबार लगा रही थी, जो गुरुजी का स्वरूप था उस स्वरूप में लेफ्ट साइड पे आई सॉ देयर वाज अ फिगर ऑफ अ मैन, वेरी डार्क लुकिंग मैन, एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। और जैसे मैं उस फिगर को देख रही हूं तो मुझे नीचे से आवाज आ रही है, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बहुत ऊंची ऊंची आवाज। तो मैंने जाके झांका, आई एम ऑन द फर्स्ट फ्लोर, जाके मैंने झांका खिड़की से तो मैंने देखा गेट पे एक बाबा खड़े हैं एंड उन्होंने भगवे कपड़े नहीं पहने, ही इज वेयरिंग अ रेड लंबा कुर्ता लाल, और लाल ही उन्होंने नीचे तहमत पहनी हुई है, और उनके हाथ में ना आई थिंक लाइक इट वॉज अ शिवलिंग, नॉट शिवलिंग, इट वॉज अ त्रिशूल काइंड ऑफ थिंग ही वॉज उनके हाथ में था, और मुझे नीचे से कह रहे हर हर महादेव, हर हर महादेव। और जब उन्होंने देखा कि मैं देख रही हूं तो मुझे कहते हैं बाबा को आज पुराने जूते ही पहना दो, बाबा को पुराने जूते पहना दो। मुझे संगत जी लगा कि ही इज वॉन्टिंग शूज, माइंड ब्लैंक था। तो मैंने सॉरी उनको हाथ का इशारा किया टू वेट, और जल्दी से मैंने अलमारी में गई एंड आई टुक आउट टू पेयर्स ऑफ शूज जो अपने हस्बैंड के थे, और मेरे को लगा कि उनकी वाइफ भी होंगी शायद, सो आई टुक आउट दो जोड़े अपने भी निकाले कि मैं ये उनके लिए दे के जाती हूँ। संगत जी आई टुक अ कपल ऑफ मिनट्स, अ लिटिल मोर देन 2-3 मिनट्स फॉर दिस। और जब ये मैं सामान नीचे लेके गई वो वहां से जा चुके थे, आई कुड ओनली हियर द साउंड हर हर महादेव, हर हर महादेव, एंड आई फेल्ट वेरी बैड कि मैंने इतना टाइम क्यों लगाया, क्यों मैंने उनको नहीं दिए। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं रख लेती हूँ, शायद वो आएंगे। संगत जी पर जब मैं ऊपर आई, नाउ दैट इमेज हैड गॉन अवे फ्रॉम द स्वरूप, और मेरे को एकदम ख्याल ये आया कि महाराज मुझे कह रहे हैं तू चिंता क्यों कर रही है, महाराज के एक जोड़े मेरे पास हैं पुराने महाराज के। तो मुझे उन्होंने याद दिलाया कि बाबा को आज पुराने जूते ही पहना दो। संगत जी मैंने वो गुरु जी के जोड़े निकाले, मैंने दरबार में वो रखे, और जैसे ही वो रखे मेरा अंदर से दिल खुश हो गया। उसके पहले नॉर्मली सत्संग हम करते हैं, हमारा हम इतने खुश होते हैं, देयर इज सो मच एनर्जी विद इन अस इन द हाउस, बट उस दिन सुबह नहीं थी ये। बट जब इस विजिट के बाद एंड वंस आई पुट महाराज के पुराने जोड़े, वो खुशी की लहर दौड़ गई। सो देखिए कैसे महाराज हमारी चिंता दूर करते हैं, और कितने सुंदर दर्शन महाराज देके गए। सो संगत जी आई विल एंड हियर एंड आई विल जस्ट फर्स्टली इमेंसली इमेंसली थैंक माय गुरु महाराज। गुरु महाराज के साथ ये जर्नी चल रही है, बहुत खूबसूरत जर्नी चल रही है। एवरी डे गुरु जी चाहते हैं दैट वी बिकम बेटर पीपल, एंड आई थिंक बाय बेटर पीपल गुरु महाराज की सेवा एज फार एज आई हैव अंडरस्टूड, जिससे गुरु जी खुश होते हैं इस जब हम अच्छे कर्म करें। अच्छे कर्म मीन्स सच बोलिए, दूसरों की सहायता करिए जितना आप कर सकते हैं, और महाराज उसमें बहुत खुश होते हैं। द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी महाराज गिव्स मी आई विल शेयर कि जब हमने किसी की सहायता की तो कैसे गुरुजी खुश होते हैं, कैसे अगर किसी को जरूरत है तो उनको आप लेके जाइए बड़े मंदिर, प्रोवाइडेड दे आर विलिंग टू डू सो, एंड ऑफ कोर्स इफ महाराज वांट्स देम टू कम वो जरूर जाएंगे, और महाराज बहुत खुश होते हैं व्हेन यू हेल्प अदर्स। और कुछ किसी को जताने की जरूरत नहीं, इन विच एवर वे वी कैन हेल्प वी शुड हेल्प अदर्स।
जैसे मैंने कहा, हमेशा सच बोलिए। आप कभी भी अपने मार्ग से नहीं डगमगाएंगे इफ यू स्पीक द ट्रूथ। और रिस्पेक्ट एवरीबडी, किसी के साथ ऊंची आवाज में बोलने की कोशिश मत करिए। रिस्पेक्ट एवरीबडी। अगर कोई आपके अंडर भी काम कर रहे हैं, इट इज दैट कि दैट इज देयर सिचुएशन इन लाइफ। उसका ये मतलब नहीं कि हम उन पे अपना हक, उनको यू नो दे बिलोंग टू अस, और ट्रीट देम इन अ नॉट अ गुड वे। सो रिस्पेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लाइक महादेव सेड एंड गुरुजी सेड, किसी को क्रिटिसाइज मत करिए, किसी को भी जज मत करिए। हर की लाइफ सिचुएशन जो है अलग है। और एक बार और, किसी का भी दिल मत दुखाइए। बट इन केस आपके व्यवहार से, आपके शब्दों से अगर किसी का दिल दुखता है, आप उनसे सॉरी मांगिए। बिकॉज गुरु जी सेड, मैनू सॉरी कहने नाल कुछ नहीं होता। जिसके साथ आपके कर्म है, हर सिचुएशन इन लाइफ इज अ रिजल्ट ऑफ आ कर्म, पुराने या अब के, वही हमारे सामने आते हैं एज फ्रिक्शन। किसी दूसरे के साथ अगर फ्रिक्शन है, इट इज अ रिजल्ट ऑफ आ पुराने कर्म। तो गुरु जी से मेरे नाल अगर हम दिल में गुरु जी से माफी मांगे, मत्था टेकें, गुरु जी मुझे माफ कर दो, वो अपने चोले में रहते हुए कह के गए हैं, मैं बाद च माफ करांगा, जे ओ तुहानू माफ कर देंगे तो फिर मैं माफ करांगा। सो अपनी ईगो में मत रहिए, माफी मांग लीजिए एंड देन मूव ऑन इन अ पॉजिटिव वे। अगर वो रिश्ता आगे चलता है तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं चलता तो शायद तभी तक था। बट आप अपना दिल हल्का कर लीजिए, बिकॉज देर इज अ वेरी ब्यूटिफुल लॉन्ग सत्संग विच मे बी अनदर टाइम। बट वॉट गुरु जी सेड कि माफी मांग लो, हमें कहा, दैट इज चोले में नहीं, बाद में। आई वॉज गोइंग फॉर अ वॉक और मेरे को बहुत महाराज की क्लियर आवाज आई, ही से माफी मांग लो, उस तो बाद किसे को नहीं डरना, मैं तो आडे नाल हां। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फ्रॉम गुरु जी। डोंट लेट योर ईगो कम इन एवर, चाहे छोटे हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे बच्चे हैं, एनी बडी। अपोलोजाइज इफ वी आर एट फॉल्ट। सो आई थिंक इन्हीं शब्दों के साथ महाराज से आज्ञा लेती हूँ। बड़े मंदिर का बहुत बहुत शुक्राना, आज आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं महाराज की ब्लेसिंग्स का शुक्राना कर सकूं। एंड सुनने वाली सभी संगत को बहुत शुक्राना आपका, आपने सुना मेरी जर्नी, मेरे सत्संग, महाराज की ब्लेसिंग्स। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू सो मच अंकल जी।